हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस ऑफ वर्जिन मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ क्लास 10th साइंस, चैप्टर नंबर 7। सो हम चैप्टर नंबर 7 का जो नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे अपन। तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है। ये दो मेन इसके पार्ट्स रहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। इसमें ये जो रहते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है वो रिसीव क्या करता है, इन्फॉर्मेशन। कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता है, ये जो बॉडी रहती है और जो जो इंस्ट्रक्शन जो बाहर से मिले हैं पर्टिकुलर ऑर्गन से, उनके ये इन्फॉर्मेशन लेता है। ब्रेन जो रहते हैं उसमें कुछ पार्ट्स रहते हैं, जो कुछ 3 मेन पार्ट्स रहते हैं, जो कौन कौन से है, फोरब्रेन, मिडब्रेन और हिंडब्रेन। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के हमारे। फोरब्रेन जो रहता है वो मेन थिंकिंग पार्ट्स रहता है ब्रेन का, जो किसी भी चीज़ को सोचने या विचारने में हेल्प करता है। इसके अंदर सेरिबेलम और डाइनसेफेलोन 2 पार्ट्स पाए जाते हैं। सेरिबेलम जो रहता है उसमें मेमोरी, सेट ऑफ मेमोरी जो रहती है और इंटेलिजेंस जो रहती है उसके अंदर स्टोर रहती है, उसके अंदर रखी रहती है। और ये जो रहता है ये सेंसरी सेंटर्स है, जैसे कि किस किस के, हियरिंग के लिए, स्मेलिंग के लिए और किसी भी चीज़ को देखने के लिए। डाइनसेफेलन जो रहता है वो सेट ऑफ प्रेशर, मतलब वो प्रेशर को और पेन को फील करने की कैपेबिलिटी रखता है। देन मिड ब्रेन जो रहता है वो कनेक्टेड रहता है किसके बीच में पाया जाता है, ये फोरब्रेन और हाइंड ब्रेन जो रहता है उन दोनों के बीच में पाया जाता है। उन दोनों को कनेक्ट करके रखता है एक तरह से और कंट्रोल करता है रिफ्लेक्सेशन या रिफ्लेक्सेस किसके, मतलब जो कहाँ से आते हैं, फोर साइट, मतलब देखने और जो सुनने से रिलेटेड रहते हैं उनसे। देन नेक्स्ट अगर अपन देखें तो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन जो रहता है उसके अंदर सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला पाया जाता है। और सेरिबेलम जो रहता है वो कोऑर्डिनेट्स करता है मसल एक्टिविटी को और जो मेंटेन और साथ ही साथ मेंटेन करता है किसको, बैलेंस को और पोस्चर को। मेडुला जो रहता है वो कंट्रोल करता है जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ जो रहती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, सलाइवेशन है, वोमिटिंग है, हार्ट बीट है, इन सभी को कंट्रोल करने का काम जो है वो मेडुला का होता है। देन स्पाइनल कॉर्ड जो रहती है वो एक्सटेंड होती है कहाँ से, मेडुला से, मतलब सबसे ब्रेन के सबसे पीछे वाले पार्ट से। और ये जो रहती है ये पूरे जो वर्टिब्रल कॉलम रहेगा, हाँ, उसमें पूरी फैल जाएगी, तो लॉन्गिट्यूडनल या फिर पूरे लेंथ वाइज ये पूरी फैल जाएगी, प्रोजेक्टेड हो जाएगी पूरे वर्टिब्रल कॉलम में या फिर बैकबोन के रूप में। सो नाउ स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।